सलाथिया ब्रदर्स की मुबारकबाद देना चाहना गुरु बसंत गढ़े की कुछी इस गाने दे लई। साड़ा धरोहर है कठुआ डिस्ट्रिक्ट ते उधमपुर डिस्ट्रिक्ट डोगरी ने। माननीय पवन जी ने जी आख्या डोगरी की प्रदूषित ग्राएं च नहीं किता गया, असें तुसी ते असी लियाया डोगरी च, जेड़े अस इत्थे बेहिए डोगरी दी गल्लां करदे। अगर सही मैंने डोगरी है कि वह बिलावल च है, बन्नी च है, कठुए च है, उधमपुर रामनगर च है, और मैं समझना यह साड़ा बड़ा सौभाग्य है कि जिथे डोगरी दे अजे भी धरोहर कायम है उत्थे तीन दिग्गज महानुभाव साढ़े कन्ने इत्थे बैठे हैं। क्योंकि अज भी मैं समझना जिहड़ी डोगरी बोली जाती है रामनगर च उह सही डोगरी, जिहड़ी बन्नी बसोली बिलावल बोली जाती है उह सही डोगरी, जिहड़ी डोगरी कठुए बोली जाती है उह सही डोगरी, जिहड़ी डोगरी सांबे बोली जाती है उह सही डोगरी। जिया ही सांबा टपने बड़ी ब्रह्म तो साढ़े को डोगरी तुसी भी लाया, मिसी भी लाया, मैनू भी लाया, तेनू भी लाया, तो कई बार तो जो डोगरी के बड़े चैंपियन बंदे वो जो खड़ोइए डोगरी बोलते तो आदमी सोचता पहले नहीं डोगरी पढ़ाई लो तो फिर नहीं आखो डोगरी के चैंपियन बनो। ये साड़ी एक ट्रैजेडी है और ये कोई ट्रैजेडी छोटी ट्रैजेडी नहीं है। एक कौम की पहचान जी उसकी जुबान होती है, इंसान शकल कद के कन्ने नहीं पहचाना जाता, वो अपनी जुबान के कन्ने पहचाना। अगर जुबान कायम रहेगी जी माननीय जोरावत जी ने आख्या अगर जुबान कायम रहेगी तो फिर सारा अस्तित्व कायम रहो, साड़ा आत्म सम्मान कायम रहो, साड़ी पहचान कायम रहो, आस कायम रहो। ये बड़े दुख की गल जो मेरे भरा मोहन सिंह ने आख्या कि साढ़े सारे ने होंगे डोगरी की उसका मकाम नहीं मिला। मेरे लिए अपोलोजेटिक नहीं होगा, मैं इनफैक्ट समझना कि यह साढ़े सारे के उपर एक सवालिया निशान, असें सारे कट्ठे होइए डोगरी का हक लेना है और लेना चाहिए, और यह साढ़े कोई कमिटमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये साड़ा एक दायित्व है, साड़ा फर्ज है, और अगर अस फेल होने तो असें ना केवल आपू फेल हो, असें अपने कौम कने धोखा किता, असें सारे समाज के कने धोखा किता, और अपने अस्तित्व कने धोखा किता, और फिर मैं समझना कि साढ़े उपर सवालिया निशान नहीं है, एक काला दब्बा होएगा। मैं समझना कि असें सारे ये प्रण लेना चाहिए कि अस डोगरी दे लई खड़े हो जाएंगे, कोई भी साड़ा उस दे लई कुर्बानी देनी पवे देनी चाहिए, डोगरी की उसका मुकाम होना चाहिए। लेकिन जिथे पंजाबी की गल की जाती है, पंजाबी की म्यूजिक इंडस्ट्री, पंजाबी की फिल्म इंडस्ट्री और पंजाबी का जो डायस्पोरा है उसने जिस किस्म की सपोर्ट पंजाबी की दिती उसने पंजाबी का बड़ा बढ़ावा। मैं इस इशू जरा तुसें दूरदर्शन का चुकया उदे उपर मैं पहले भी माननीय अनुराग ठाकुर साहब कन्नै गल की, और मैं जिसे इतने बैठे रहा मैं इतने जिसे मैं बैठे रहा मैं उन्हें इतने ही बैठे दे एक रिमाइंडर दिता। मैं समझना कि पवन जी हसोटिया साहब प्रेम साहब रणजीत साहब नारायण सिंह जी सारे इकट्ठे होइए अनुराग ठाकुर साहब की फिर बेनती करांगे कि चल, क्योंकि उन्हें आख्या था कि ये चलेगा जरूर चलेगा, जैसे पिछले बारी मेरी गल हुई थी उन्हें आख्या था कि मैं जरूर चलेगा, और ये मैं उसके बाद मिले भी उसके गल भी की।
मैं उन्हें लिए मसला 7 दिसंबर मंगलवार चुकया था 8:06 पर मैं उन्हें मैसेज भेजा था और उन्होंने 8 दिसंबर 1:43 राती मतलब रात उन्हें पढ़िया होना उन्हें मैसेज दिता और उन्हें आखिया कि चाहेंगे उस बाद मेरे अपने मुलाकात भी हुई तो मैं नहीं दोबारा लेकिन मैं तो दसना चाहता कि यह एक इशू है जो प्राइम है अस इस पिछे जरूर लगेंगे और इसे जरूर कराने की कोशिश करेंगे और माता रानी ने चाहा कि यह इशू रिजॉल्व होगा। मैं नारायण जी की मुबारकबाद देना चाहता जिन्हें इस फंक्शन का सारा संचालन जरा अपने सिर लिया क्योंकि इस इंडस्ट्री की सपोर्ट दी सिर्फ अस गलने कन्ने ते भाषण कन्ने सपोर्ट नहीं दे सकते असें इन्हें फाइनैंशली भी सपोर्ट करना पड़ता इन्हें खड़ा करना पड़ता। मैं नारायण जी तुसें मुबारकबाद देना और मैं सारे समाज की आखना कि अगर असें डोगरी की बचाना है असें डोगरी दे जिहड़े ए आर्टिस्ट हैं इन्हें सपोर्ट करना पौ फाइनैंशली भी सपोर्ट करना पौ और यथाशक्ति असें सारे चाहिए कि इन्हें मॉरली फाइनैंशली सपोर्ट करते ताकि ये सस्टेन करी सके क्योंकि बड़ी मदद काम है। मोहन उन्हें ठीक आख्या ये प्रोडक्शन कोई 2 मिनट का काम नहीं है 4 मिनट का काम नहीं 4 मिनट असी लभी इहदे पिछे एक बड़ा बड़ा ताम जहाम है जिहड़ा कन्ने कन्ने चलता है और ये सारा जिहड़ा है इसी चलाने लई मुश्किल भी आउंदी। मैं मोहन जी तुसें भी आख्या ना अज फिर आखा कि एक असें समाजिक डोनेशन प्रोग्राम करना चाहिए जो आदमी जिसकी अपनी छवि है जो इतने खजूरिया साहब बैठे थे कुलदीप शर्मा साहब बैठे थे सरातिया ब्रदर और भी लोग हैं असें सारे कट्ठे हो एक कारपस लोगों मांगी एक एक रुपया 2-2 रुपया मांगिए डोगरी के लिए कारपस तैयार करना चाहिए ताकि डोगरी की जी फिल्म इंडस्ट्री और डोगरी की जी म्यूजिक इंडस्ट्री उसी बढ़ावा दिता जाए और उसके लिए अस लोग भी थोड़े कन्ने चलेंगे अगे होइए इसी शुरू करने। मैं जाके पिछले बार भी बेनती की थी सामने थोड़ी जी पहल करनी फिर अस इसी अगे चलाएंगे ताकि जो पब्लिकेशन ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण गल है कि डोगरी की अपना मकाम देने लिए अज भी असं स्ट्रगल करना ये कोई शक नहीं। खजूरे साहब ने आख्या कल्चरल अकैडमी की डोगरी की तरफ ध्यान देना चाहिए कल्चरल अकैडमी ठप नहीं हो सकती बिल्कुल कल्चरल अकैडमी बिल्कुल अगर एक कोई सरकारी अदारा नहीं उसका मकसद ही कल्चरल अकैडमी का है कि कल्चर की प्रमोट करना और मैं समझना इतने पवन जी बैठे थे जसरूटिया साहब बैठे थे प्रेम सागर जी बैठे थे असें सारे गवर्नर साहब कन्ने भी इंतजार करनी चाहिए कि अस मैं थोड़े अज इस मंच तो गवर्नर साहब के रिक्वेस्ट कराँगा कि डोगरी की प्रमोशन के लिए एक बकायदा तौर पर एक स्पेशल परपज व्हीकल जी बनाई जाए विद इन दी कल्चरल अकैडमी जी टोटली डोगरी पर फोकस होएगी और डोगरी जी है उसी अगे ले जाएगी। कल माननीय प्रधानमंत्री जी की जिस वेल माननीय मनोज सिन्हा साहब ने बसोली की पेंटिंग दी मैं समझना वो साढ़े एक बड़ी बड़ी साढ़े लिए एक पैर अगे था क्योंकि बसोली पेंटिंग जिस वेल माननीय मोदी जी के समक्ष प्रजेंट की गई तो मी लग्या कि आज बसोली पेंटिंग की उसका अपना मकाम मिलया एक पूरी दुनिया ने दिखाया पूरे हिंदुस्तान ने लाइव टेलीकास्ट हुआ रहा कि साड़ी बसोली की पेंटिंग जी आस्ता आस्ता खत्म हुआ दी वो प्रेजेंट करिए पूरी दुनिया की बसोली पेंटिंग का पता लग्या कांगड़ा पेंटिंग बसोली पेंटिंग एक लिपि है जी खत्म हुआ दी है और उसी जिंदा रखने लिए जो कल इन्हें किया मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहना लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का और माननीय प्रधानमंत्री साहब का जिन्हें उसी ले अपने को रख्या और उस चीज़ की और प्रधानमंत्री कार्यालय लगेगी तो जम्मू की उस पहचान बनेगी। उसके अलावा असें कोशिश की है कि परमंडल जिहड़ा छोटा काशी आख्या जाता है उसी कहना उसका डिवेलपमेंट होए उसकी एक हैरीटेज साइट बने ताकि परमंडल जिहड़ा है उसका परमंडल साड़ी पहचान परमंडल हो गुप्ता साहब की मैं मुबारकबाद देना चाहना कि देवक का इन्हें सारा नक्शा बदल उड़ा गुप्ता साहब और देवक जी आज देवक जी उत्थे तुम जाओ तो पुर देवता कहना बिल्कुल उसका रंग रूप बदलीर है इं अस कोशिश करा रहे हैं कि इंटैक के थ्रू कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक तुम्हें लिखा ना इंटैक की एग्जीबिशन दी
वो इंटैक का जोड़ा प्रोजेक्ट था वो असें शुरू किया नगरोटा जो ओल्ड थोड़े घर के कोला जो निकलता पंडोली मंदिर तो निकली है ओली देवी मंदिर जो पहला प्रोजेक्ट जो इंटैक है वो ओली देवी का मंदिर की रेस्टोरेशन का प्रोजेक्ट है जिसी कहना अस करा रहे क्योंकि ये साढ़े सिंबल्स हैं ये चिन्ह हैं साढ़े अगर ये जिंदा रहोगे तो साड़ी पहचान रहो जुबान और साड़ी चिन्ह एक कायम रहने चाहिए उसके बाद ये ओल्ड हैरीटेज जो रूट है ये माननीय गवर्नर साहब ने मेहरबानी करिए मनिया है कि जो भी श्राइन बोर्ड को कंट्रीब्यूशन वो करेंगे और जो पुराना रूट असं चलाएंगे ये साढ़े उत्थे पुराने प्राचीन मंदिर है तो जो बुम्याल एक गुप्ता साहब शिवलिंग मैं परमात्मा की अपनी होंगी है लेकिन वो शिवलिंग तुम दिखो तो तुम्हें हैरानगी हो जाए बंगाली जी मंदिर है उसे दिखो तो उसकी नज़ारा है मतलब ये ऐसा चीज़ा जीडिया साढ़ी अपनी हैरीटेज है जिन्हें असं प्रिजर्व कर सकते बाद मुबारक मंडी मुबारक मंडी राजा दरबार जोड़ा वह भी साड़ी पहचान है और भी साड़ी ये मांग है कि बजाय उसी एक कदे हैरीटेज डिपार्टमेंट कदे कल्चर डिपार्टमेंट कदे टूरिज्म डिपार्टमेंट वो एक स्पेशल पर्पज वहीकल बनाइए उसी उसका कहना डायरेक्ट फंडिंग हो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो कि बड़ा एक माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जगह जगह करा दी होगा दुए तलाब जेडे तलाब साढ़े अगर तुम तो तलाब दिखो ऐतन का तलाब है ढोकली तलाब है बन तलाब है मेरे में अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी गल कर रहा ऐसे ऐसे तलाब हैं और हर जगह तलाब है जिनके पीछे एक तारीख है वो तलाब जो सराह बनी गई तलाएं के कंधे वो सराह जी है अगर उन्हें रिवाइव किया जाए एक तो वाटर मैनेजमेंट जो मदद करेंगे दूआ यह कि वह साड़ा हैरीटेज हूँ तुम अपना गल डोगरी भी करा रहे तो ये सारिया गल् बिच पाई आ नहीं ये सारा कनैक्टिड है अस घड़ी घड़ी पंजाबी की मिसाल दें पंजाबी इसलिए चला रही क्योंकि पंजाब के कल्चर और हैरीटेज उपर साइमल्टेनियसली काम चला और आखिरी गल मैं जी आखना चाहना महाराज साहब की छुट्टी की गल महाराज साहब की छुट्टी जी है एक कमेटी बनी क्योंकि पिछे युवा राजपूत सभा ने जिसने प्रोटेस्ट किया था उनकी मीटिंग असें गवर्नर साहब ने कराई और एक कमेटी का गठन होगा और युवा कमेटी जी फैसला कोई करेगी और मैं लगता कि कोई फैसला जो होगा ठीक ही होगा देखो गल ये कि सियासत और गौरमेंट ता ही कामयाब जो लोगों की नबज की समझिए तो गौरमेंट है गवर्नमेंट जी है वेलफेयर स्टेट कई बार होता कई चीज़ा जी उस गवर्नेंस के पैराडाइम के रूल नहीं आदि लेकिन लोगों की नबज की समझिए अगर लोग चाहते हैं और जम्मू के लोग इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड एंड रिलीजन चाहते हैं कि महाराज साहब की छुट्टी होए तो मैं समझना अगर लोग चाहते हैं लोगों का मत है तो लोग जोड़े हैं और जमहूरियत की सरताज है उनकी गल की जी है भरपाई होनी चाहिए उस जिस निस्वार्थ भाव में काम करा रहे तो सारी टोली सारे लोग मैं लगता नहीं है कि कोई ऐसी समस्या होनी चाहिए ठीक आख्या कि तुसें उस समय को लेकर दूरदर्शन को जिसका संघर्ष किया बगाने लोग अस बगाने आखने क्योंकि जम्मू के बारे घट सोचते हैं कि अस जनसंघी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं साढ़ा जन्म गया इस रियासत होया और इस विशेष तो इस सूबे होया और अस भी कोशिश से है हालांकि नरेंद्र मोदी गल की थी, मैं भाई मोहन सिंह ने गल की थी कि छुट्टी की गल की नरेंद्र जी अलग पार्टी से है उस पार्टी से है जो जिंदे कहने छुट्टी के लिए चक्कीदार खड़ा है पर लैजिस्लेटर जो उठे खड़ोते आख्या ब्लडली आख्या बोल्डली आख्या कि महाराज हरी सिंह की छुट्टी होनी चाहिए है शायद उनका आस्ता आस्ता वो ऐसा ऐसा रोड मैप बनया कि आस्ता आस्ता साढ़े आसे परती है
और जिसलै इस पासे परते मतलब एक जम्मू भी बहुत बड़ा सेट बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन देने वाले मैं जिस दिन भाई साहब सलाकिया ब्रदर्स आए थे मैं इन्हें कोल गया घर बेड़े बैठे था जिस भाव कन्हैया ने इनविटेशन दिता और जिस भाव कन्हैया ने इनविटेशन एक्सेप्ट किया मैं अपने आप महसूस करा रहा कि आज मैं आइए फील किया कि नहीं साढ़े को ऐसा मार्गदर्शन आया है ऐसा महान उपलब्ध आए कि सब सारे की और जम्मू भी सूत्र करवाने का काम कर गया अज के इस दिहाड़े पर अज के इस अवसर पर मैं सलाकिया ब्रदर्स की और जिन्हें भी उपस्थित सारे जिन्हें भी साथी आए तो सारे को बड़े बड़े मुआफ देना ब्लैस के असी इस शड्यूल च लिया अज इस शड्यूल च आई तो अगर प्रयास के नहीं करते इस शड्यूल की जानी अगर इतने लोग उस पॉइंट की एजुकेट भी नहीं करते उसी अगे नहीं दसते कि जानी इन्ना गै अज तो जो डोगरी चैनल की गल की है तो अगर ईश्वर ने चाहिया तो अस जल्दी गए वो दिल्ली जाके तो साढ़े बड़े नौजवान साढ़े मंत्री हैं श्री अनुराग ठाकुर जी उनके कन्ने राणा साहब की लीडरशिप के जाइए उनके को जाइए तो इस इशू की रेस करके और इसी रिजॉल्व करके एरिया अभी रेस किता और आइए अस रिजॉल्व करके ताकि आने वाले टाइम के इस भाषा की अस जी विलुप्त हो करती है और विलुप्त हो चुकी दी है मुझे लगे करता कि साढ़े बच्चे जो उन्हें स्कूलों के इस भाषा की बोलना जो टोटली बंद हो जाता है और बच्चे इस भाषा की सीखने का अल तैयार नहीं है और बड़ा मुश्किल काम हो करता कि आने वाले जनरेशन की बहुत समझ है और स्कूल के माध्यम करने अगर सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो गया तो शायद अस इस भाषा की बचाई सकते हैं अगर ये बचन तो कम से कम अस आके कि साढ़े डोगरे का भी कोई कल्चर आ और डोगरे का बड़ा महान इतिहास है अस उसकी प्रिजर्व कर सके अपने इतिहास में डुडु बसंत गरा दे गुच्छे सुदी दा कसरो शैल कलाड़ी बंजारी दी कास्ती गरा दे खोड़ ते मोटी टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।